हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ राउंड कॉलर विद पोटली बटन लगाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले गले की चौड़ाई लगा लेते हैं। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच लगा ली है और गले की डीपनेस लगा लेते हैं। गला डीप हम 4 इंच लगाएंगे। तो गले को डीप हमने 4 लगा लिया है। जब हम राउंड कॉलर बनाते हैं तो 4 लगाते हैं। अगर आप स्टैंड कॉलर बना रहे हो तो यहाँ पे 3 से 3.5 लगा सकते हैं। अब इसको मैंने गोल शेप दे दी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बिल्कुल प्रॉपर यू शेप नहीं देनी है, हल्का सा वी में गोल करेंगे और इसे हमने यहाँ पे कट कर लेना है। ये हमारा कॉलर के लिए गला कट चुका है। अब इसके नीचे पट्टी कटेगी। एक इसके नीचे हमने निशान लगा लेना है। ये जो पट्टी का साइज़ है ये 9 से 10 इंच लगेगा। यहाँ पे 10 से 9 इंच आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 इंच लगा रही हूँ। अब हम इसे खोल लेते हैं। इस तरह हमने इसे खोल लेना है कपड़े को। ये हमारा फ्रंट वाला पीस है और इसका सेंटर मैंने यहाँ पे कर लिया है। जैसे कि प्रेस हुई है तो ये सेंटर का निशान बन गया है। यहाँ पे हमने 4 इंच की एक पट्टी ली है, उसे दोनों साइड से इस तरह फोल्ड कर लिया है। 4 इंच का कपड़ा लेकर दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया है और इसे हम अब सेंटर में रखेंगे। ये जो सेंटर का निशान है इसको आप इस तरह डार्क कर लीजिए। वैसे मेरा प्रेस से आयरन से ये निशान बन चुका है। अब हम यहाँ पे इस पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर से एक पैर इधर सिलाई लगाएंगे, फिर एक पैर उधर लगाएंगे, फिर बीच में से हमने इसे कट करना है। अब सेंटर का निशान देखते हुए उसके बिल्कुल साथ साथ एक साइड में सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सीधा। यहाँ पे 10 इंच का जो निशान है वहाँ तक आपने सिलाई लगा कर आना है। ये निशान हमारे पास 10 इंच का लगा हुआ है। अब हम इसे इस तरह सिल कर आ रहे हैं नीचे की तरफ। अब दो पैर इधर सिलेंगे, अब फिर दूसरी तरफ चलेंगे सीधा। अभी इसीलिए मैंने बताया था कि सेंटर से इधर और सेंटर से उधर सिलाई लगानी है, बिल्कुल सेंटर में नहीं लगानी है। अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। क्योंकि इसे हमने बीच में से काटना है तो सिलाई का आप ध्यान रखिएगा कि जो सिलाइयाँ आपने लगाई हैं वो बिल्कुल कटनी नहीं चाहिए। अब आप इसे इस तरह कट कर लीजिए, साइडें थोड़ी सी क्लीन कर लीजिए और इसे आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये जो पट्टी है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और अब इसे इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये पट्टी बिल्कुल घूमे ना और दूसरी तरफ अच्छी तरह टर्न हो जाए। इस तरह आपने बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा कर आना है और इस सिलाई को आपने बिल्कुल बारीक बखिए से लगाना है। यहाँ पे हमने जो कपड़ा है, ये सूट है मेरे पास, ये लाइनिंग वाला है। अगर लाइनिंग लगानी है तो ये पट्टी लगाने से पहले लगेगी। अब लीजिए, इस तरह ये पट्टी हमारी बन चुकी है। यहाँ पे हम पोटली बटन बना लेंगे। पोटली बटन इसके ऊपर लगाएंगे। पोटली बटन मैंने बनाकर रेडी किए हुए हैं। ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता दूंगी अगले वीडियो में। वैसे ऑलरेडी वीडियो इसका अपलोडेड है। तो यहाँ पे हमने ऊपर से 1 इंच के करीब छोड़कर एक पोटली बटन लगा देना है। अब 1-1 इंच के गैप पे हम सारे पोटली बटन अटैच कर देंगे। इसके बीच में जो गैप रखना है वो आपने बिल्कुल इक्वल रखना है, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 1 इंच रख रहे हो तो 1 इंच रखिएगा, अगर 1.5 रख रहे हो तो 1.5 रखिएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हम इन्हें लगा लेंगे। पूरी पट्टी के अंदर हमने इन्हें लगा लेना है। अब यहाँ पे एंड में हम इस पट्टी को इस तरह धागा हटा देते हैं यहाँ से। और देखिए, ये हमारे सारे पोटली बटन लगकर रेडी हो गए हैं। अब फिर मैंने एक 4 इंच की पट्टी ली है। अब इसे उल्टी साइड से डबल कर सिल लेंगे। ये हमने नीचे की तरफ लगानी है तो उल्टा करके सिलना है, फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और इसे अब हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप इसे एक बार प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने से ये अच्छी तरह सेट हो जाएगी और जब आप नीचे लगाओगे इसको तो वो इजीली अटैच हो जाएगी। तो देखिए, इसे मैंने इस तरह सिलाई लगाकर सेट कर लेना है पहले, फिर आप इसे प्रेस कर लीजिएगा। तो ये पट्टी हमारी अब तैयार है। अब इसके नीचे इसको नीचे रखेंगे और इसके ऊपर से हमारा ये जो पट्टी है इधर वाली, राइट साइड वाली, वो इसके ऊपर लगा देते हैं। इस तरह ऊपर से तकरीबन 0.75 का गैप छोड़ते हुए, आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा गैप छोड़ देना है आपने, और इसको हम इसके ऊपर रखकर सिलेंगे। अब आपने ये राइट साइड वाला सिलना है। दूसरी साइड हमारे पोटली बटन लगे हुए हैं, पहले इधर पट्टी लगेगी तो दूसरी साइड से ये अपने आप सेट हो जाएगा। इसे हम सीधा सिल कर आएंगे बिल्कुल। यहाँ पे इस सिलाई को आप डबल भी कर सकते हैं। तो यही सिलते हुए जब मैं आ रही हूँ तो यहाँ पे एंड पे आ गई हूँ। तो इस पट्टी को इसके नीचे करते हुए इसे घुमा देंगे सिलाई को इस तरह, और अब हमने सिलाई को यहाँ से हटा लेना है। इसे ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना है। अब ऊपर से नापेंगे इसको। ऊपर से हमने गले को गले से मिला लेना है। अब देख लेना है कि आपको कितना गला खुला चाहिए। जितना गला आपको खुला चाहिए उतना छोड़ दीजिए, बाकी के हिस्से में आपने सिलाई लगाकर इसे बंद कर देना है। इस तरह हम इसको सिलाई लगाकर बंद कर देंगे।
ताकि ये बिल्कुल इसमें खिंचाव ना आए और यहाँ से खुले ना जब इसे हम पहने। बस उतना रखिएगा ऊपर से खुला जितना आपके गले में इजीली आ जाए। अब हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए पोटली बटन को सेट कर लेंगे। अब सिलाई एंड पे आ गई है। अब इसे यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर लेना है आपने सिलाई को। उसके बाद सिलाई को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे जो पोटली बटन लगे हैं वो आप दूसरे कलर के भी लगा सकते हो, जैसे मैचिंग कलर के भी लगा सकते हो आप अपनी बॉटम के साथ। पोटली बटन लगकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे ये पट्टी भी हमारी रेडी है। यहाँ पे हमने कॉलर बनाना है। कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। यहाँ शोल्डर जोड़ने से पहले हमने बैक वाले गले में पीछे थोड़ी सी कटिंग करनी है। यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई ले लेते हैं और 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे 1.25 इंच की यहाँ पे डीपनेस ले लेते हैं। अब इसे हम इस तरह कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हमारे शोल्डर जुड़ेंगे। इसमें भी जैसे गोलाई है वह हल्का सा वी करते हुए ही देनी है, बहुत ज़्यादा गोल एकदम से नहीं करना है। अब देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसको खोल लेते हैं पल्ले को। ये हमारा बैक का पीस है और तीरे से तीरे हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि शोल्डर से शोल्डर हमने जोड़ लेने हैं दोनों। और सिलाई को आप यहाँ पर डबल कर लीजिएगा ताकि तीरे के जो सिलाई है वो खुले ना बिल्कुल भी। दोनों साइड के तीरे हमने बराबर रख के जोड़ने हैं। अब लीजिए तीरा हमारा जुड़ चुका है। अब हमने यहाँ पे कॉलर को नापना है कि कॉलर हमारा कितना बनेगा। इस पट्टी से नापना शुरू करेंगे और बिल्कुल ढीले हाथों से, कपड़े को भी नहीं खींचना है बिल्कुल, आपने बिल्कुल इजीली इस तरह हाथों से पकड़ेंगे और इसे नापते जाएंगे। इस तरह आपने इसे नाप लेना है। यहाँ पे जो कॉलर का साइज़ है वो जैसे अपने गले की कटिंग की है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा कॉलर का जो साइज़ आया है 19.5 के करीब आया है। तो लेकिन यहाँ पे हमने जो कॉलर बनाना है वो 19 बनाएंगे, क्योंकि जब हम कॉलर लगाते हैं तो हल्का सा बढ़ जाता है। आप 2 से 3 पॉइंट कम बनाइएगा। यहाँ पे कॉलर बनाने के लिए हमने बुकरम ले ली है। तो बुकरम की चौड़ाई पहले मैं आपको बता देती हूँ। बुकरम की चौड़ाई हमने यहाँ पे 5 इंच ली है और बुकरम की जो लंबाई है आप यहाँ पे 14 से 15 इंच ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 15 इंच ली है। इसे आप डबल कर लेंगे। ये जो कॉलर की कटिंग है बहुत ही परफेक्ट है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के लिए सबसे पहले गला कितना चौड़ा रखा है आपने, हमने गला चौड़ा 6 इंच रखा है, मतलब 3 इंच है तो डबल में 6 इंच हो गया। तो 6 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। जितना आपने चौड़ा रखा है उतना रखिएगा। अगर 5 है तो 5 रखिएगा, 7 है तो 7 रखिएगा। यहाँ पे गला जितना डीप रखा है, डीप हमने 4 इंच रखा है। अगर यहाँ पे 3.5 रखा है तो 3.5 का निशान लगाइएगा। यहाँ पे हम इसको गोलाई दे देते हैं। इस तरह हल्का सा गोलाई देते हुए इसको ऊपर मिला लेंगे और 1 इंच का यहाँ पे कॉलर का साइज रखेंगे और कॉलर की जगह 1 इंच छोड़कर हम इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं। अब इसको हम पहले बाहर से कट कर देंगे। जो बाहर से कटिंग हो रही है उधर उस साइड से हमारा कॉलर जुड़ेगा शर्ट के साथ। ये हमारी ऊपर वाली साइड रहेगी जो हम अभी कट कर रहे हैं। अगर इतनी गोलाई में आप कॉलर बनाते हो तो बहुत ही परफेक्ट ये हमारा कॉलर बनकर रेडी होता है और बहुत ही सुंदर लगता है देखते हुए। अब इस साइड से हमने कॉलर को नापना है। 19 इंच हमें कॉलर चाहिए और जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो हम सारा कट कर देंगे। बंद वाली साइड से आपने नापना शुरू करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 19 इंच का निशान आपने इसके ऊपर लगा लेना है। ये देखिए 9.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है और यहाँ पे बाकी का जो बुकरम का पीस है, ये कैनवास है, वो सारा कटिंग हो जाएगा। अब इस कैनवास को हम इस तरह काट देंगे और यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे पहले। इस तरह हमने गोलाई दे दी है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर रखकर इसे अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने कपड़ा लिया है, कपड़े के ऊपर इस कॉलर को रखते हैं और इसके ऊपर ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल हमने बुकरम के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है और बिल्कुल पॉइंट पॉइंट की सिलाई लगेगी यहाँ पे, और बारीक बखिए से ये वाली सिलाई आपने लगानी है। जैसे आपके गले की शेप है, कॉलर की शेप है, उसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग आपने चलना है। यहाँ पे बिल्कुल भी शेप को हिलाना नहीं है। बस इस तरह रख लीजिए कपड़े के ऊपर। यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं आप अगर आपके पास। कई बार ऐसे होता है कि कई लोग बिगनर्स होते हैं, उनको ज़रूरत होती है कि ये एक जगह टिका रहे। तो आपने क्या करना है, सारे में पिन लगा लेने हैं। पिन लगाने के बाद फिर आप इसे सिलना शुरू करेंगे। इस तरह पूरे कॉलर में हम एक बार सिलाई लगा कर आएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पूरे कॉलर में सिलाई लगा दी है और साइडों का कपड़ा हमने इस तरह कट कर देना है और बीच वाला जो कपड़ा है इसका वो भी काट देंगे। ये एक्स्ट्रा है, हमें ये नहीं चाहिए। आधा इंच कपड़ा छोड़कर हम सारे कपड़े को काट देंगे इस तरह। यहाँ पे ये नीचे वाला हिस्सा है जो कपड़े का, उसे हमने फोल्ड कर देना है। इसे आपने बिल्कुल किनारे किनारे से फोल्ड करना है।
और जो बखिया है सिलाई का है, जो टांका है वो बिल्कुल छोटा रखना है। अब देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम इस तरह कट कर देंगे और अब दोबारा से हमने इसे कपड़े के ऊपर रखना है। उसी कपड़े के ऊपर हम दोबारा से रखेंगे और इसे सिल लेंगे। इस तरह मैंने बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग सिल लिया है और यहाँ पे आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए नीचे की तरफ इसे काट लेंगे। आधा इंच कपड़ा हमारा सिलाई में आ जाएगा, बाकी फिर कॉलर हमारा बराबर हो जाएगा। ऊपर से कपड़े को भी काट देते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। और यहाँ पे ये कपड़ा काटने के बाद हम इसके अंदर छोटे छोटे कर्स लगाएंगे। कर्स जो लगाने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, इसकी वजह से हमारा कॉलर बहुत फिनिशिंग ले लेता है। इस तरह हमने इसे टर्न करके एक बार प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद फिर मैं आपको कॉलर लगाना बताती हूँ। यहाँ पे देखिए कॉलर हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसे शर्ट में लगाना है। शर्ट की उल्टी साइड से हम इसे लगाना शुरू करेंगे। अब इस शर्ट को हम इस तरह रख लेते हैं, ये हमारी उल्टी साइड है, ये सीधी है, और इसको उल्टी साइड से हमने लगाना है। अब देखिए इस साइड से हम, ये वाली साइड से हम लगाना शुरू करते हैं और दूसरी साइड हमने इसे टर्न कर देना है। यहाँ पे कोई धागा है, कोई अनइक्वल है कपड़ा, उसे आप काट दीजिए। बिल्कुल किनारे पे रखना है, सिलाई का जितना मार्जिन है उतना ही मार्जिन दूसरी साइड रखते हुए इसे बराबर कर लेंगे। पहले बराबर करने के बाद हम इसे सिलना शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिलाई का एक टांका आप लगा कर रोक लीजिए इसको, मशीन को। इस तरह हम पहले इसके साथ मिला देंगे, मिलाकर इसे रखेंगे, एक टांका लगा लेंगे। टांका लगाने के बाद आपने कॉलर को ऊपर से हटा देना है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह कॉलर को हम पहले यहाँ से हटा देंगे, इस तरह ऊपर की तरफ। और आप जब आप सिलाई को लगाकर आ रहे हो तो आपने क्या करना है कि ना ही आपने गले को खींचना है ना ही कॉलर को खींचना है। अगर आप कॉलर को खींच दोगे तो कॉलर आपका बढ़ जाएगा और गला है जो वो छोटा रह जाएगा, और अगर आपने गले को खींचा तो कॉलर आपका छोटा होगा। तो इसलिए आपने दोनों पीसीस को बिल्कुल बराबर करते हुए सिलना है। खींचना किसी भी कपड़े को नहीं है, ढीले हाथों से इस तरह आप इसे सेट करते जाइए और इसे सिलते जाइए। इसी तरह आपने पूरे गले को सिल लेना है। और आप अगर मेरे सारे टिप्स फॉलो करोगे तो आप भी सेम इसी तरह नेक बना सकते हो। और यहाँ पे जितना भी कॉलर का साइज आपका आया है उससे आधा इंच आपने कम कट करना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने, पूरा पूरा कॉलर नहीं काटेंगे, आधा इंच कम काटेंगे। तो देखिए मैं इसे लगाते हुए आ रही हूँ, मैं वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कर रही हूँ। अगर होता तो मैं शुरू से करती और बाद में एंड में दिखा देती, ऐसा नहीं है। आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन हर चीज़ इसमें क्लियर होगी। अब हम इसे सिलते हुए आ रहे हैं तो एंड में दिखाऊंगी आपको, एक पॉइंट भी नहीं बढ़ेगा और एक पॉइंट कम भी नहीं होगा, बहुत ही परफेक्ट ये हमारा कॉलर बनकर आएगा। अब देखिए एंड इसका आने वाला है, आप देख सकते हैं। जब कॉलर को हम कॉलर को सिल रहे हैं तो एक पॉइंट भी कॉलर हमारा कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे सिलाई को थोड़ा सा डबल कर देंगे और धागे को कट कर लेंगे। अब शर्ट को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करके कॉलर को हमने पहले इस तरह अंदर की तरफ सेट कर लेना है, जो बाहर कपड़ा है उसे सारा अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और इस तरह आ जाएगा ये। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और देखिए इस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ। कोई भी थ्रेड वगैरह अगर बाहर की तरफ है उसे अंदर की तरफ कर दीजिएगा और इस सिलाई को लगाइएगा। कॉलर और कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, दोबारा से बोल रही हूँ। जो टिप्स होते हैं मैं उसको रिपीट करती हूँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। अब देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब कॉलर के बिल्कुल ऊपर 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 वाले हिस्से में भी हम एक बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगा कर इसको फिनिश कर लेंगे। तो उसके बाद आप देखिएगा कॉलर जो है हमारा बहुत ही परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये राउंड कॉलर हमारा बनकर तैयार हुआ है। कॉलर की फिनिशिंग ऐसी है जैसे किसी टेलर ने बनाया हो, क्योंकि सेम आप भी अगर बनाओगे तो ऐसे टेलर जैसी फिनिशिंग आ जाएगी। पोटली बटन के नीचे हम यहाँ पे हुक लगा देंगे और उसके बाद मैं आपको ये पहन कर दिखाती हूँ। आप देखिए मैंने सर्कुलर प्लाजो के साथ ये वाला सूट बनाया है और आप फिटिंग देखिएगा सूट की, और गले की फिटिंग तो मस्त वाली है। ऊपर की तरफ मैंने एक हुक लगा दिया है और मैडम बहुत खुश हैं इसे पहनकर, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है और उनकी चॉइस पे ही ये गला मैंने बनाकर रेडी किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।